ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कर्नाटक का भविष्य तय करने में वो अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। ये नए मतदाता, ये पहली बार बनने वाले मतदाता, 18 साल की आयु के मेरे मतदाता बेटे बेटियां, अब वो कर्नाटक का भविष्य तय करेंगे, साथ साथ वो खुद का भी भविष्य तय करने वाले हैं। उनको मैं आज एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, पहली बार वोट देने के लिए जाने वाली मेरे बेटे बेटियां, आपको अगर अपना कैरियर बनाना है, अपने मन का काम करना है, तो ये कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। कर्नाटक में अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा। कर्नाटक में स्थिर सरकार नहीं बनी तो आपके संकल्प भी स्थिरता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में शांति की दुश्मन है, कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं, कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। अभी राजस्थान में आपको पता होगा क्या हुआ, राजस्थान में कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ था, दशकों लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। आप कल्पना कीजिए, इतना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया कि ये धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए, उनको सजा नहीं दिलवाई। तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। क्या ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? क्या कर्नाटक को बर्बाद होने देंगे? क्या आपके भविष्य को तबाह होने देंगे? सहोदर सहोदरियरे, देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वहां सबसे पहला काम करते हैं, जो जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति
बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटक ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटक में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। सहोदर सहोदरी, अरे पूरा देश हमारे सैनिकों का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है। देता है कि नहीं देता है? हम सेना का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम हर सैनिक का गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? सैनिक को देख करके हमारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आप सबको आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। कांग्रेस रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती है, हमारी सैनिकों का अपमान करती है, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उसे सम्मान दे रही है, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये हमारे कर्नाटक के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए हैं, मुझे बताइए आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का गौरवगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूके में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही क्यों हो रही है भाइयों? क्यों हो रही है? पूरे दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताइए? अरे उडुपी के लोग तो टॉपर रहते हैं, टॉपर। आपका जवाब गलत है, ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये दुनिया में जयकार हो रहा है वो आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का गौरवगान हो रहा है। आपके एक वोट ने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई,
आपके एक वोट ने दिल्ली में स्थिर सरकार बनाई और उसके कारण आज दुनिया में देश का नाम बन रहा है, ये आपके वोट की ताकत है। मुझे बताइए, कर्नाटका का भी पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में कर्नाटका का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आसाम वाले भी जय कर्नाटका का बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? गुजरात वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? तमिलनाडु वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? जम्मू कश्मीर में भी जय कर्नाटका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कर्नाटका में स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। बनाओगे? पक्का बनाओगे? साथियों, शांति और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा कर्नाटका कभी नहीं चाहेगा कि कोई आकर इसे रिवर्स गियर में ले जाए। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है, निर्धार कर लिया है, पक्का मन बना लिया है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा।